Congress leader and leader of opposition in Rajya Sabha Gulam Nabi Azad on Monday lashed out at the ruling BJP, saying the party was a misfit for Jammu and Kashmir and blamed it for the current violence in the state where more than 40 people have died in clashes. Azad demanded an all-party meeting should be held to discuss the current situation in Jammu and Kashmir. इसलिए मैं जिम्मेदारी आप पर है, हम आपके साथ, इस हम अकेले आपको नहीं छोड़ना चाहते, हम इस वक्त का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहते। मुझे मालूम है कि जब मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो सब ने हमारा साथ देने के बजाय, चाहे वो वहां की पार्टियां हों या आप की पार्टियां हों, सब ने जलते पर तेल डालने का ही काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी और मैं उनमें नहीं हूं। हमने अपने साथी सीनियर लोग कल चले गए, अंबिका सोनी जी और हमारे दूसरे फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने प्रेस को भी यही बताया, अपने लोगों को भी यही बताया। मैं बार बार टेलीफोन अपने एमएलएज और प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को करता हूं कि सामान्य हालात बनाने में सहायता करेंगे, क्योंकि हमको रिट्रीव करने हैं हालात, हमको हालात खराब नहीं करने हैं कि पीडीपी और बीजेपी हुकूमत है तो चाहे कश्मीर जल जाए। हम कश्मीर को जलना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि कश्मीर वापस उस अपनी जगह पे आए जहां हमने छोड़ा था। Meanwhile, Finance Minister Arun Jaitley refuted Congress charge that Jammu and Kashmir was disturbed because of the PDP-BJP coalition government failed to handle the situation and instead blamed Pakistan as the sole reason for the problems there. केवल ये सोच लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन की सरकार बन गई और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ हो रहा है, ये राजनीतिक सोच हो सकती है। केवल कांग्रेस और बीजेपी या हमारी भीतरी राजनीति का नहीं है, आज हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि एक आवाज में हम लोग बोलें, वहां शांति आए, वहां आम आदमी को तकलीफ ना हो, वहां आम आदमी के खिलाफ पुलिस को, सुरक्षा फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़े इसकी जरूरत ना हो। Union Home Minister Rajnath Singh on Monday said the central government ordered the security forces in Jammu and Kashmir to exercise maximum restraint while tackling the angry mobs that took to streets following the July 8 killing of Hizbul commander Burhan Wani. Aur hamare pradhanmantri ji ne bhi kaha jitna adhik se adhik restraint exercise ki ja sakti ho woh restraint exercise wahan par ki jani chahiye, ek bar nahi 4 bar 10 bar, aur yahi baat hamari Jammu Kashmir ki महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा कि मैं भी यही बराबर फोर्स को निर्देश दे रही हूं कि जितना अधिक से अधिक रेस्ट्रेंट वह बरत सकते हैं वह रेस्ट्रेंट बरतें, और यदि मजबूरी में यदि वेपन का प्रयोग करना है तो नॉन लेथल वेपन्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, गोली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह बराबर यहाँ से हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वह इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।